हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आपके अपने चैनल सरबजीत कौर व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं बेसिकली अपनी वीडियोस बनाने के लिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करती हूँ। तो गाइज, मैक्सिमम टाइम जैसे कि आपको मालूम है मैं स्मार्टफोन यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए, और शुरू से लेके अब तक मैंने जब भी यूट्यूब चैनल शुरुआत की है मुझे कुछ भी अपने इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी होती है कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करें, आप इसको कैसे करें। तो वो चीज़ को जब मैंने रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ, यूज़ करती हूँ AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो गाइज, ये सबसे बढ़िया ऐप है, अभी तक मैंने शुरू से लेके अभी तक यही इस्तेमाल की है। पहले DU ऐप करके भी आती थी लेकिन जब, जैसे कि आपको पता है, कुछ चाइनीज़ ऐप जब बैन हुई है तो वो उसका इस्तेमाल मैंने कम कर दिया, ज़्यादा मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ शुरू से। और इसका फ़ायदा क्या है गाइज, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, एक तो सबसे पहली बात बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, साथ ही इसमें आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको शॉर्टकट तरीके से पॉज करना है या आपको ऊपर से मतलब स्लाइड नहीं करना चाहते तो आप वन क्लिक से पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फिर वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। सेकंड चीज़ इसमें जो आपको मिल जाती है, अगर आपको वीडियो में ऊपर चलती चलती वीडियो में जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करें, आपको कुछ टेक्स्ट रिटर्न बताना है या कुछ किसी चीज़ को होवर करके बताना है तो उस चीज़ को जो है आप रिटर्न या आइकन जो है बनाकर वहाँ पर बता सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें आप अपनी रेजोल्यूशन को खुद सेटल कर सकते हैं। कई लोग पसंद करते हैं हाई क्वालिटीज़ के वीडियोस को अपलोड करना, हाई क्वालिटी में मतलब उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, या अगर आप जैसे यूट्यूबर हैं आप चाहते हैं कि आप हाई क्वालिटी में वीडियोस डालें, कई लोगों को पसंद होता है कि उनको कम क्वालिटी में डालना है, तो वो चीज़ जो है इसमें ईजिली मैनेज हो जाती है, तो बहुत ही सही चीज़ है इसमें। साथ में आपको जो इसमें नेक्स्ट फीचर मिलता है गाइस, वो है इसमें जो भी आप इंटरनल वॉइस जो है, जैसे आपकी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वॉइस दोनों को आप मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ इंटरनल जो भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो उसमें वॉइसेस आ रही हैं सिर्फ वो हो आए तो वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम आप जैसे माइक लगा के साथ में बात कर रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस स्क्रीन के बारे में, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो चीज़ जैसे आपके एक्सटर्नल वॉइस है, बाहर की जो वॉइस है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना भी बहुत ही आसान है। और इसमें जो लास्ट चीज़ है गाइज, वो है कि ये सबसे बड़ी बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं वो पेड होती हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी सिंगल रुपये तक भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइज, साथ ही इसमें जो एक चीज़ आती है वो है अगर आपको छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, जैसे आपसे कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया स्क्रीन का, आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो को रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, जिस तरीके से भी आपको मैनेज बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे छोटी मोटी, हम जैसे ट्रिमिंग के लिए ही एक अलग से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो है आपके इंटरनल स्टोरेज मोबाइल की खा लेता है, तो इस चीज़ के लिए आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती एक्स्ट्रा ऐप्स को डाउनलोड करने की। इसी में आप छोटा मोटा ट्रिमिंग का है जो है थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं वीडियो को लेके। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है इसमें इस ऐप का कोई भी वाटरमार्क ऊपर नहीं आएगा। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं ऊपर AZ लिखा नहीं आएगा आप, लेकिन आपके पास एक फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अगर आप अपने ब्रांड के साथ कुछ ऊपर वाटरमार्क देना चाहें। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई और कॉपी ना करके अपने चैनल पर डाले, तो उस चीज़ में मैं कह सकती हूँ अपने चैनल का नेम जो है मैं ऊपर वाटरमार्क डाल सकती हूँ, जैसे सरबजीत कौर व्लॉग्स लिख के ऊपर डाल सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट रहेगा, कोई भी आपका जो है डाटा नहीं कॉपी कर सकता। तो ये बहुत ही ईजी है ऐप इस्तेमाल करना। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे एक्सेस करना है, आप मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल चैनल पे देख सकते हैं कि इसके हर एक फीचर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है, और आप भी मेरी तरह अभी यूट्यूबर, कोई नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस ऐप के साथ शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। जाते जाते लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिमिलर वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।